हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे गुड़ और चने की। तो आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि लोग ब्रेकफास्ट में रस, बिस्किट, ब्रेड जैसी चीज़ों का बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे। वो ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में गुड़ और चने को खाया करते थे, जिससे उनकी सेहत बहुत बढ़िया रहती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा खेतों में काम करने के लिए, घर में काम करने के लिए ताकत बनी रहती थी। तो चलिए आज उसी गुड़ और चने की कुछ बेहतरीन और बहुत अच्छे फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसके चमत्कारी लाभ। तो अगर आप सिर्फ स्वाद के लिए भुने हुए चने खाते हैं तो इसके कई बेहतरीन फ़ायदों से आप अनजान हैं। भुने हुए चने अगर आप सही तरीके से चबा चबा कर खाए जाए तो इससे गजब की ताकत आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं गुड़ चने। जो सूखा चना होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, फाइबर, कैल्शियम, आयरन व विटामिन का अच्छा स्रोत है, जिसके कारण इसे गरीब लोगों के बादाम की संज्ञा भी दी जाती है। यही जानते हैं भुने हुए चने और गुड़ खाने से क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास भुने हुए चने हैं या आपके पास सूखे चने हैं, मैं दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास सूखे चने हैं तो आपको क्या करना है, सोने से पहले एक गिलास पानी में एक मुट्ठी चने डाल दें और उसे ढक कर रख दें। सुबह चने का पानी निकाल दें और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ के साथ इसे खाली पेट चबा चबा कर खाएं। रोजाना इस तरीके से चने खाने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अगर आपके पास भुना हुआ चना है तो आपको रात को उसे भिगोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप भुना हुआ चना और गुड़ भी आप खा सकते हैं। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। वजन कम करने में मदद करता है। गुड़ और चने को एक साथ खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कि आपका मोटापा कम करने में आपको मदद मिलती है। कई लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए तो गुड़ और चना बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूर इसका सेवन करें। कब्ज दूर करने में सहायक। शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से कब्ज और एसिडिटी की समस्या हो जाती है, ऐसे में गुड़ और चने खाएं। इसमें फाइबर होता है जो आपकी पाचन शक्ति को ठीक रखता है। तीसरे नंबर पे है, दिमाग तेज होता है। गुड़ और चने को मिलाकर खाने से दिमाग तेज होता है। इसमें विटामिन B6 होता है जो याददाश्त बढ़ाता है, और जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं उनको गुड़ चना जरूर खाना चाहिए। और दांत मजबूत होते हैं। इसमें फास्फोरस होता है जो दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके सेवन से दांत मजबूत होते हैं और जल्दी नहीं टूटते हैं, तो बच्चों को ये ज़रूर खाने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगता है, सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है, कि गुड़ और चना खाने से त्वचा पर निखार आता है। जो हमारी स्किन है वो ग्लोइंग होती है। चेहरे का तेज बढ़ाने में गुड़ चना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जेंट्स लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम होती है तो वो गुड़ चना खाएंगे तो उनके चेहरे पर भी बहुत अच्छा ग्लो बना रहेगा। और है, कुष्ठ रोग नहीं होता। भुने हुए चने को हर रोज़ खाने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा जैसी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको गुड़ चना जरूर खाना चाहिए। गुड़ चना खाने से पेट साफ रहता है। और है, पेशाब संबंधी बीमारियों से छुटकारा। भुने चनों के सेवन से पेशाब संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। जिनको भी बार 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 पेशाब आने की समस्या है, मूत्र आने की समस्या है, उनको हर रोज़ गुड़ चने का सेवन करना चाहिए, उनसे उनको फ़ायदा होगा। नपुंसकता दूर हो जाती है। भुने चने को शहद के साथ खाने से नपुंसकता दूर हो जाती है और पुरुषत्व में वृद्धि होती है। तो जिन जेंट्स को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है वो गुड़ चने से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद मिलाकर भुने हुए चने के साथ लें, उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये गुड़ चने के बहुत अद्भुत फ़ायदों के बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।